डायल 100 ये हम तब करते हैं जब कोई इमरजेंसी हो, लेकिन कई लोगों की इसके साथ खुशखबरी इन्वॉल्व है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। डायल 100 एक फिल्म है जिसमें आपको नजर आएंगे मनोज बाजपेयी, नीना गुप्ता और साक्षी तन्वर। इन तीनों ने अपने सोशल मीडिया पे आके इस पिक्चर की अनाउंसमेंट की है और इस पिक्चर के प्रोड्यूसर है सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिन्होंने काफी हिट पिक्चर्स दी हैं बॉलीवुड को। और उनका मानना यह है कि हम एक थ्रिलर पिक्चर लेके आ रहे हैं ऑडियंस के सामने। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं रेंसिल डी सिल्वा, जिन्होंने कुर्बान और उंगली जैसी हिट पिक्चर दी हैं। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि इस फिल्म को हम लेके जल्द ही ऑडियंस के सामने आएंगे और इस फिल्म का शूट शुरू हो चुका है और इसमें मनोज बाजपेयी जैसे धुरंधर कलाकार आपको नजर आएंगे। मनोज बाजपेयी के वर्क फ्रंट की बात करें तो लास्ट वो नजर आए थे सूरज पे मंगल भारी मूवी में, और नीना गुप्ता लास्ट एक वेब सीरीज में नजर आई थी जिसका नाम था मसाबा मसाबा, जो उनकी ही एक तरह से ऑटोबायोग्राफी थी। अब नीना गुप्ता का नेक्स्ट प्रोजेक्ट द लास्ट कलर जल्द ही इंडिया में रिलीज होगा। देन उसके बाद नीना गुप्ता बिजी हो जाएंगी अपनी फिल्म में जिसका नाम है डायल 100। सबसे इंटरेस्टिंग पोस्ट थी नीना गुप्ता की, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है डायल 100। पैनिक होने की बात नहीं, ये खुशखबरी है क्योंकि एक फिल्म का नाम है जो वो जल्द ही लेके आएंगे ऑडियंस के सामने। तो दोस्तों, आपकी डायल 100 पे क्या राय है, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहेगा अभिषेक को और हमारे चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड को।